पास्टर की मिनिस्ट्री में। क्यों कह रहा हूं बहुत हार्ड है, क्योंकि इसके बारे में जब तक आप डेप्थ में नहीं जानोगे आपको पता नहीं लगेगा। जो पास्टर बनना चाहते हैं उनको लगता है पास्टर बनकर हम सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन आज चर्चिस में जो रखवाले यानी पास्टर्स की मिनिस्ट्री है वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसके कारण पास्टर भी बहुत ज्यादा परेशान है। और क्या कारण है चर्चिस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, चर्चेस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, प्लस नहीं हो पा रहे हैं, हमें समझना जरूरी है। उसके लिए खोलेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक अध्याय 14 उसके 23 को पढ़े क्या लिखा है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। कलीसियाओं में जो है प्राचीनों को नियुक्त किया, ये प्राचीन कौन है, ये पास्टर्स हैं। यानी चर्चेस में पास्टर का होना बहुत जरूरी है, रखवाले का होना जरूरी है। जब तक चर्चेस में पास्टर नहीं होगा, कि कलिसिया में जो रखवाला नहीं होगा, तो परमेश्वर का काम उस रीति से नहीं हो पाएगा, उस रीति से नहीं हो पाएगा। और वही चीज आप बताइए, कलिसिया में प्राचीनों को नियुक्त किया गया, यानी प्राचीनों को अपॉइंट किया गया। जब तक चर्च में पास्टर्स नहीं होते हैं, एक मसीह की देह कलिसिया नहीं बनती है, मसीह की देह कलिसिया नहीं बनती है। आज कितने ऐसे चर्चेस हैं जिन चर्चेस में पास्टर है ही नहीं, विश्वासी खुद ही खड़ा होता है संडे को और खड़े होकर खुद ही प्रचार करना शुरू कर देता है और लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता है। पास्टर सही नहीं, क्यों? क्योंकि पास्टर को लात मार के उन्होंने निकाल दिया, पास्टर को लात मार के निकाल दिया, उनको भगा दिया और खुद ही पास्टर बनके खड़े हो गए और खुद ही पास्टर बनके सेवा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम पास्टर हैं और चर्च के लोग जो हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें समझना है चर्च में एक पास्टर का नियुक्त होना बहुत जरूरी। लिखा है उपवास सहित उन्होंने उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करके उनको नियुक्त कर दिया। यानी एक पास्टर के रूप में जब नियुक्त करा जाए तो उसका ऑर्डिनेशन होना जरूरी है, उसको परमेश्वर के दासों के द्वारा उनको नियुक्त करना जरूरी है, उनका अभिषेक करना जरूरी है, तब वो अपॉइंट किए जाएंगे, फिर जाके वो पास्टर बनके सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने वचन को सीख लिया, वचन के ज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती तो मैं पास्टर बन गया और मैं कहीं पर भी मिनिस्ट्री कर सकता हूं। नहीं, आपकी नियुक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए। और हम जो है चर्च का पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, जो प्रेरित काम में चर्च का पैटर्न बताया गया है उसी के अनुसार हम इस बात को कह रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि प्रेरितों ने जिस जिसको पास्टर के रूप में नियुक्त किया उन पर हाथ रखे, प्रार्थना किया, उसके बाद उनको अपॉइंट कर दिया ताकि चर्च में पास्टर्स रहें। पास्टर्स रहने का मतलब है रखवाले रहें। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही थी, तो यीशु ने देखा उनकी तरफ, देख के यीशु को तरस आया। यीशु ने उनकी तरफ देखा, उस भीड़ की तरफ, और यीशु को तरस आया और यीशु ने बोला ये बिना चरवाहे की भेड़े बिना रखवाले की भेड़े हैं। और यीशु को बड़ा तरस आया उनको देखकर। इसीलिए जब कलीसियाओं की स्थापना हुई, जो फर्स्ट सेंचुरी में ये जो पहली कलीसिया थी वो यीशु मसीह की कलीसिया थी, जो 12 चेलों की कलीसिया नियुक्त करी गई वो यीशु मसीह की कलीसिया थी। और प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया में जो लीडर जिसको नियुक्त किया वो कौन था? पत्रस। वो पत्रस था, वो पीटर था, क्योंकि प्रभु ने कहा हे पत्रस, मैं तुझ पे अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना हो सकेंगे, प्रभु ने बोला। और पत्रस ही था प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का अगुआ था, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, प्रभु यीशु ने नियुक्त किया। वैसे ही नियुक्ति होनी जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को नियुक्त किया, उनको अधिकार दिया सेवा के लिए, तो यीशु ने उनको यह आज्ञा दी कि जगत के तुम छोर तक जाओ और सबको सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें मेरा चेला बनाओ और सबको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बात प्रभु ने कही, और मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। आज लोगों को परमेश्वर की आज्ञा माननी सिखानी है, ये हर एक पास्टर की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, और ये सीखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार क्या अकेले एक पास्टर सेवा कर सकता है? नहीं। खोले प्रेरितों काम अध्याय 20 उसके पद 17 को पढ़े क्या लिखा है। कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। अकेले सेवकाई पास्टर नहीं कर सकता है, उसको टीम चाहिए। जब तक टीम नहीं होगी, टीम मिनिस्ट्री नहीं होगी, वो इफेक्टिव काम नहीं होंगे मिनिस्ट्री में। आज क्या है, टीम नहीं है, पास्टर जो है वो खुद ही सारे काम कर रहा है। चर्च में झाड़ू भी खुद ही लगा रहा है, दरी भी खुद ही बिछा रहा है, चेयर्स भी खुद ही लगा रहा है, गाने भी खुद ही गा रहा है, प्रचार भी खुद ही कर रहा है, प्रार्थना भी खुद ही कर रहा है, विश्वासी घर खुद ही विजिट कर रहा है, अगर कोई सोशल मीडिया की सेवकाई भी है उनकी तो वो भी खुद ही कर रहा है, कहीं जाना है तो खुद ही जा रहा है, सारे काम पास्टर खुद ही कर रहा है। किस कारण से? वो कलीसिया के घमंड के कारण, कलीसिया के अहंकार के कारण, क्योंकि कलीसिया कुछ करना नहीं चाहती है, कलीसिया सेवा करना नहीं चाहती, पास्टर पे सारा बर्डन पड़ा हुआ है, सारा बर्डन पास्टर लेके घूम रहा है। किसी के यहां प्रार्थना करने जाना है तो पास्टर अकेला जाएगा, कोई काम करना है तो पास्टर अकेला करेगा, सब कुछ पास्टर अकेला ही कर रहा है, सारा बर्डन पास्टर के ऊपर है। क्यों? कलीसिया के लोग परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहते, वो सेवा करना नहीं चाहते। बहुत सारी जगहों पर तो कलीसिया के अंदर घमंड है, वो सेवा करना ही नहीं चाहते, वो केवल चर्च में आशीष लेने के लिए आना चाहते हैं, वो सेवा करना ही नहीं चाहते, वो पहली से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और पास्टर पे सारा बर्डन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को जब अपॉइंट किया, उनको भेजा अधिकार देके, तो दो दो के सेट में भेजा, अकेले नहीं भेजा,
सबको दो दो के सेट में भेजा, जाओ मिनिस्ट्री करने के लिए, दो दो के सेट में भेजा। और समुदेशक अध्याय उसके 4:12 में लिखा है, अकेले कोई आदमी टिकी नहीं सकता, अगर एक गिरेगा तो दूसरा संभाल लेगा। तो दो लोग चाहिए, अकेला कोई सेवकाई नहीं कर सकता, टीम मिनिस्ट्री चाहिए। पास्टर सब कुछ खुद ही कर रहा है, इसमें कलीसियाओं के ऊपर कलीसियाओं के अंदर घमंड है, कलीसिया सेवा करना नहीं चाहती। और बहुत सारी कलीसियाओं में पास्टर में घमंड है, पास्टर सब कुछ खुद ही करना चाहता है, वो कलीसिया में किसी को ना तैयार कर रहा है ना किसी को सेवा का मौका दे रहा है, वो खुद ही सब कुछ कर रहा है। मैं करूंगा, मेरी पत्नी करेगी, मेरा बेटा करेगा और कोई नहीं करेगा। पास्टर के अंदर भी घमंड है। तो कुछ पास्टर्स के घमंड के कारण और कलीसियाओं के घमंड के कारण चर्च की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, उन्नति नहीं हो पाती है। तो यहां पर जब बुलवाया, हम वचन पढ़ रहे हैं, बहुवचन जो वर्ड है वो यूज किया गया प्राचीनों को, यानी चाहे छोटा चर्च हो चाहे बड़ा चर्च हो, कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। अकेले मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है, अकेले से कोई पास्टर नहीं कर सकता है। लेकिन आज लोग समझते नहीं है इस चीज को, वो सीखना नहीं चाहते। एक और वचन पढ़े, तीतुस की पत्री अध्याय 1 उसके 5 को पढ़े, क्या लिखा है? यहाँ पर जो है इस बात को बताया गया है कि तू नगर नगर जाके प्राचीनों को नियुक्त करे। प्राचीन शब्द यूज नहीं हुआ है, प्राचीनों शब्द यूज हुआ है। यानी जो है बताया गया भाई कि तुम्हें जाके जगह जगह पे प्राचीनों को नियुक्त करना है। यानी चर्च में एक केवल एक पास्टर के थ्रू काम नहीं हो सकता है, वो मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है, वो चर्च डेवलप नहीं हो सकता है। उसको असिस्टेंट पास्टर्स भी चाहिए, चर्च में सेवा करने वाले लोग भी चाहिए, तभी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, तभी मिनिस्ट्री ग्रो होगी। और बताया गया यहां पर, ये वो सिस्टम है चर्च का, वो पैटर्न है जो बनाया गया प्रेरितों के द्वारा। लेकिन आज बहुत सारे चर्च जो है इसको अप्लाई नहीं करते हैं, आज बहुत सारे चर्च है इसको अप्लाई नहीं करते हैं। खुद ही पास्टर सब कुछ कर रहा है, कुछ तो पास्टर का अहंकार और घमंड है जैसा मैंने बताया। और काफी जगहों पे तो कलीसियाओं का घमंड और अहंकार है, क्योंकि कलीसियाएं सेवा करना नहीं चाहती है, वो पहले ही डर जाती है, घबरा जाती है प्रभु के पीछे चलने के लिए, सेवा करने के लिए उनके अंदर वो इच्छा ही नहीं है, वो जिज्ञासा ही नहीं है, और सारा बर्डन पास्टर पे आया हुआ। लेकिन हम यहां पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने जो है प्राचीनों को नियुक्त किया, यानी एक पास्टर के साथ और पास्टर्स भी अपॉइंट किए गए, उनको अपॉइंट किया गया, ये चीज बताई गई है, ये समझाया गया है। और साथ में जो है इसके पेड़ तो काम अध्याय 15 उसके 23 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी शब्द हम सुनेंगे, तो प्राचीनों शब्द यूज हुआ है, यानी फिर से प्राचीनों। अब बाइबल में पढ़ते हैं, न्यू टेस्टमेंट में कई बार आपको प्राचीनों शब्द मिलेगा, क्या प्राचीनों शब्द मिलेगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि टीम मिनिस्ट्री की तरह काम हो। प्रेरितों के समय भी टीम मिनिस्ट्री की तरह, जो फर्स्ट सेंचुरी के चर्चेस एस्टैब्लिश किए गए थे वहां पे टीम मिनिस्ट्री के द्वारा काम होता था, टीम मिनिस्ट्री की तरह काम होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर कोई क्रिसमस का प्रोग्राम आ रहा है या कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, तो पास्टर अपना झोला उठाएगा, वो जाएगा, वो सब्जी भी लेके आएगा बेचारा, चलो जी सब्जियां लेके आओ, चलो जी सारी चीजें लेके आओ, आओ पास्टर आके डेकोरेशन भी करवाएगा, पास्टर आके झाड़ू भी लगाएगा, पास्टर आके पोछा भी लगाएगा, सारे काम पास्टर लग के करवाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो पास्टर की दीनता है। लेकिन कलीसियाओं को समझना है, और फिर पास्टर प्रचार भी कर रहा है बेचारा, फिर बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद बर्तन भांडे भी धो रहा है पास्टर, फिर बर्तन भांडे जो है वो रखने भी जा रहा है पास्टर, सारे काम पास्टर कर रहा है। ये इसमें कलीसियाओं का अहंकार और घमंड है कि पास्टर पे इतना बर्डन डाल दिया गया, इतना बर्डन डाल दिया गया, पूछो मत। और पास्टर सुबह से शाम तक फिर दुखी है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, पास्टर जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। पास्टर लगा पड़ा है सुबह से शाम तक दुआ करने में, लगा पड़ा। उसकी फोन की तो बैटरी डेड नहीं हो जाती, वो लगा ही रहता है बेचारा, लगा ही रहता है। और जैसे फोन उसने ऑन किया, फिर से फोन बजने चालू, मैसेज आने चालू, पास्टर जी नंबर बन जा रहा है, प्लीज मुझे कॉल करें, बहुत इमरजेंसी है। पास्टर फिर फोन मिला रहा, हाँ जी बताओ। पास्टर जी घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, अच्छा क्या हो गया ये बात? अब पास्टर एक घंटा उनकी बातें सुन रहा है, फिर उनकी काउंसलिंग कर रहा है, सारा बर्डन पास्टर के ऊपर आ गया, पास्टर बेचारा करे क्या? फिर बहुतों को लगता है पास्टर करता क्या है, बहुतों को लगता है फिर पास्टर करता क्या? वो जितना कुछ कर रहा है वो परमेश्वर जानता है, और आपका देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। ये चीज यहां बताई गई कि टीम मिनिस्ट्री होनी जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं टीम मिनिस्ट्री होनी जरूरी है? क्योंकि जो लोकल जो कांग्रीगेशन होती है, यानी जो स्थानीय मंडली होती है, जो सभा होती है, उसमें भी पास्टर एक के साथ दूसरा पास्टर होना बहुत जरूरी है। अगर एक पास्टर की तबीयत खराब होगी या पास्टर अवेलेबल नहीं होगा, तो दूसरा पास्टर मीटिंग को लीड कर लेगा, चर्च को संभाल लेगा। अकेले पास्टर सब कुछ नहीं कर सकता है। कई पास्टर अपने चर्च में वो चीख चीख चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं कि अपने जीवन को तैयार करो, मजबूत बनाओ, ताकि आप लोगों को आगे सेवा के लिए नियुक्त किया जाए। और पास्टर बहुत प्रयास करता है कि कलीसिया के लोग सेवा के लिए आगे बढ़े। उनको प्रचार कार्य दिया जाता है, प्रार्थना का कार्य दिया जाता है, उनकी पर्सनल काउंसलिंग करी जाती है, उनको समझाया जाता है ताकि वो सीखे और तैयार हो। लेकिन बहुत से लोग फिर भी सीरियस नहीं होते, फिर भी गंभीर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनको क्या चाहिए? केवल प्रभु से नोट चाहिए, हरे हरे नोट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आजकल तो गुलाबी नोट भी थे, वो भी बंद हो गए। लोगों को चाहिए बस परमेश्वर से, यही चाहिए कि परमेश्वर के पास आए और केवल हमें आशीष मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं।